मैं मोहिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस में। जैसा कि संस्कृत का आज हमारा चौथा लेक्चर है, इससे पहले की जो वीडियो थी वो माहेश्वर सूत्र की थी, जिसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि माहेश्वर सूत्र का वीडियो देखे बिना आप प्रत्याहार के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब ही होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार के वर्डों को जब हम विक्षेप करते हैं तो बनता है प्रति प्लस आंग प्लस ह्री प्लस घई। तो प्रत्याहार का विक्षेप करने पर बनता है प्रति प्लस आंग प्लस ह्री प्लस घई, जिसमें से प्रति और आंग ये जो होते हैं वो हमारे उपसर्ग होते हैं और ह्री धातु होता है, घई प्रत्यय। तो ध्यान से पढ़िए, इसमें प्रत्याहार में उपसर्ग क्या होता है? प्रति और आंग। ह्री धातु है और घई प्रत्यय है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्याहार में कौन सी धातु है, तो आपका आंसर क्या होगा? ह्री धातु। अगर प्रत्यय पूछ ले तो घई प्रत्यय। ठीक, आइए प्रत्याहार सूत्रों, प्रत्याहार सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। एक्चुअली में प्रत्याहार जो होता है वो दो वर्डों से मिलकर बना होता है और ये माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही बनाया जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी माहेश्वर सूत्र की वीडियो जरूर से देखिएगा। ठीक, तो प्रत्याहार जो हमारा बनता है वो माहेश्वर सूत्र के आधार पर ही बनता है और ये दो वर्डों से मिलकर बनता है। जैसे होता नहीं है अक होता है, इक होता है। आइए आगे समझाते हैं हम आपको। प्रत्याहार संज्ञा करने का सूत्र, आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, मेरे साथ साथ बोलिए, प्रत्याहार संज्ञा सूत्र क्या है? आदिरंतेन संहिता। आदिरंतेन संहिता, जिसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो बनेगा आदि अंतेन संहिता, आदि अंतेन संहिता। ठीक, देखिए जैसे कि होता है नहीं माहेश्वर सूत्र का जो पहला सूत्र होता है आयुड री री क ए ओ ग, एक मिनट, आ ई उ ड री री क ए ओ ग आई औ च। ठीक, अब देखिए कैसे इसका मतलब क्या होता है। आदिरंतेन संहिता का मतलब क्या होता है? आदि मतलब आदि कोई वर्ड ले लीजिए और अंतेन, अंतेन मतलब अंत का कोई वर्ड लीजिए, जैसे अड़ हो गया, हाँ अड़ा हो गया। ठीक, आदि क्या हो गया? अ और ड़ा हो गया। इन दोनों को जब स इता मतलब मिलाते हैं, साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा? प्रत्याहार। अर्थात यहाँ पे जब इन दोनों वर्डों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अड़। ठीक, ऐसे ही जब आ का क से मिलाएंगे तो क्या होगा? ये आ आदि वर्ड को क अंत्य वर्ड से मिलाएंगे तो कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? अक। ठीक, अक, अड़ और इससे मिलाए तो अक। ठीक, ऐसे देखिए बनता है एंग, एंग प्रत्याहार। जैसे ए से अंगा को जोड़ दिए तो क्या बन गया? एंग प्रत्याहार। उसी तरीके से एच जब आई को च से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? आईच प्रत्याहार। ठीक, इसी तरह ई जो है ई, इसको इक क से जोड़ दिया तो कौन सा बन गया? इक प्रत्याहार। यही बस यही बात इस सूत्र में कही गई है कि आदिरंतेन संहिता, आदिरंतेन मतलब आदि वर्ड को अंत्य वर्ड से जोड़ दो तो प्रत्याहार बन जाएगा। ठीक, अंत्य वर्ड को देखिए और क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ड। मैंने माहेश्वर सूत्र में आपको बताया अंत्य वर्ड को और क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ड या हल वर्ड बोलते हैं ना। और कभी भी एक चीज़ है कि इत संज्ञक वर्ड को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। जब भी वर्डों की गिनती होती है इत संज्ञक वर्डों को काउंट नहीं करते हैं। ठीक, इत संज्ञक वर्ड बस प्रत्याहार बनाने के लिए ही रखे गए हैं।
इस संज्ञक वर्ड का जो प्रयोग हुआ है माहेश्वर सूत्र में वो प्रत्याहार बनाने के लिए ही हुआ है, ठीक। लेकिन इसको कभी भी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंतिम वर्ड को क्या बोलते हैं? इति संज्ञक वर्ड, और उसके पूर्व का आदि वर्ण। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। इसका जो सूत्र है उसका अर्थ क्या है? अंतिम इति संज्ञक वर्ड को, ठीक है, अंतिम इति संज्ञक वर्ड को उसके उसके पूर्व के किसी आदि वर्ड से जोड़ दिया जाए। अंतिम इति संज्ञक वर्ड को, इसको इरेज कर दें तो आपको समझ में आए। देखिए, अंतिम इति संज्ञक वर्ड को उसी के पूर्व किसी आदि वर्ड से जोड़ दिया जाए। किससे? उसी के पूर्व किसी आदि वर्ड से जोड़ दिया जाए तो प्रत्याहार बन जाता है, ठीक। समझ गए? मैंने आपको एग्जाम्पल से पहले ही समझा दिया, ये बस फॉर्मेलिटी था, बस आप पढ़ लीजिए अपने नोट्स में, अच्छे से उतार लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अक, अच और यई, ठीक। अच देखिए, अच्छा वर्डों की गिनती कैसे करते हैं ये देखिए, सबसे ज़रूरी बात। जैसे अक है ना, आ ई उड़ होता है ना, और री रीक, कहाँ, हाँ आइए देखिए, अक अक प्रत्याहार में अ, देखिए पहले क अक होता है ना, अक जो प्रत्याहार है, कैसे हम लोग वर्डों की गिनती करेंगे? ये नहीं कि पहले आदि वर्ड से स्टार्ट कर दें, ठीक। सबसे पहले हम किसको ढूंढते हैं? अंत्य वर्ड को। किसको? अंत्य वर्ड को। तो क कहाँ है? देखिए ढूंढिए, ये सारे क्या है? इति संज्ञक वर्ड हैं, ठीक है। इनको कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। देखिए क कहाँ पे है? तो यहाँ पे है, ठीक। अब इसके पूर्व का आदि वर्ड क्या है? अ है, तो आ इसके पूर्व ढूंढिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ है। तो अब गिन लीजिए कितने वर्ड हुए, 1 2 3 4 5, ठीक। अक में कितने वर्ड हो गए हैं? 5। कौन कौन से? आ ई उ री री, ठीक, आ ई उ री री। आइए फिर आता है अच प्रत्याहार को भी देखिए। अच देखिए, अच में अच का अंत्य वर्ड क्या है? च, ठीक। क्या है? च। च को ढूंढिए कहाँ पे है, ढूंढते जाइए, च कहाँ है, ढूंढिए। देखिए अब च तो यहाँ भी है ना, अब ये मत कहिएगा कि यही, क्योंकि ये अंत वर्ड नहीं है। अंत्य वर्ड कौन सा है? यहाँ पे देखिए, च यहाँ आया है, ठीक। इस अंत्य वर्ड से पूर्व का अब वर्ड ढूंढिए, पूर्व का आदि वर्ड क्या है? आ। तो च के पहले आ कहाँ आया है? यहाँ पे। अब गिन लीजिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ड आ गए? 9। कौन कौन से? आ ई उ री री ए ओ ए ओ, ठीक। समझ गए? आइए इसी तरह यही का है, यही में 29 वर्ड होते हैं, तो आप गिन लीजिएगा। आइए, इन प्रत्याहारों में आदि वर्ड से लेकर अंतिम वर्ड के मध्य आने वाले सभी वर्डों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ड तो गिना जाता है, किंतु अंतिम वर्ड नहीं गिना जाता है। वही जो मैंने आपको पहले समझाया, जो इति संज्ञक वर्ड होते हैं उनको नहीं गिना जाता है, उससे पहले जितने भी वर्ड आते हैं उनको गिना जाता है। यही बात यहाँ पे कही गई है। आइए, चलिए, माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ड को इति संज्ञक वर्ड कहते हैं, शेष सभी वर्डों को आदि वर्ड कहते हैं। ये पहले ही आप लोग समझ चुके हैं। आइए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये समझने की बात है। अड़ प्रत्याहार, अड़ प्रत्याहार में पहला ड़ा लेते हैं, ठीक, अर्थात आ ई उड़ा का ड़ा लेते हैं। आइए कैसे, अड़ प्रत्याहार, तो अड़ प्रत्याहार में बोला कि पहला डा लेते हैं, मतलब कि ये वाला डा। इसके अलावा एक और डा कहाँ है? ढूंढिए ढूंढिए, ये जो अड़ डा है ढूंढिए कहाँ पे है, अंत में। देखिए यहाँ आया है ना,
और एकड़ा कहाँ और कहाँ आया है, एकड़ा यहाँ आया है। तो यही बात कही गई है, जो अड़ प्रत्याहार होता है उसमें अड़ का ड़ा लेते हैं ना कि लड़कड़ा। ठीक, तो कौन सा अड़ में कौन सा लेंगे, ये वाला ड़ा। तो बताइए अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड होंगे, आ ई उ। ठीक, कितने, सिर्फ और सिर्फ तीन, कौन कौन से, आ ई और उ। ठीक है, देखिए अब फिर कह रहा है इड़ एवं यड़ प्रत्याहार में बाद वाला ड़ा लेते हैं अर्थात लड़का ड़ा लेते हैं। इड़ और यड़ में कौन सा ड़ा लेते हैं, लड़का ड़ा लेते हैं। चलिए देखिए, कहता है इड़ और यड़, इड़ और यड़ में इसमें बोला कि ये ड़ा नहीं लेते हैं, ये जो ड़ा है इसको हम लोग नहीं लेते हैं इड़ में। इड़ और यड़ में अड़ का ना लेके हम लोग किसका लेते हैं, लड़ का। यही बात वो कह रहा है कि इड़ में और यड़ में किसका लेते हैं, लड़का ड़ा लेते हैं। ठीक है, आइए इड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड होते हैं वो हम लोग देखते हैं। इड़, देखिए इड़ आया कहाँ है, पहले तो देखिए ड़ा ये अंत वर्ड ले लिया। अब इसके अच्छा एक चीज़ और, प्रत्याहार में वर्डों की जब गिनती करिएगा तो कभी भी आदि वर्ड से शुरू मत हो जाइएगा, हमेशा पहले अंत वर्ड ढूंढिएगा, किसको, अंत वर्ड को। तो अंत वर्ड ड़ा कहाँ है, यहाँ ये वाला ड़ा ले लिए, इसके पहले क्या है ई, आदि वर्ड क्या है ई, ढूंढिए ई कहाँ है, ई यहाँ है। ठीक, अब इन इन वर्डों को तो गिनते नहीं है, ठीक है, इनको तो गिनेंगे। अब वर्डों की संख्या गिन लीजिए कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड हो गए, 13, समझ गए। और ऐसे ही यड़ प्रत्याहार, तो यड़ में भी देखिए या कहाँ पे है, ड़ा यहाँ हो गया, इससे पहले का आदि वर्ड या कहाँ है, यहाँ पे। तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, अर्थात यड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड हुए, 4। ठीक है, कितने वर्ड हुए, 4। आइए, कहता है हल प्रत्याहार में पहला हा लेते हैं अर्थात हैवरेट का हा लिया जाता है। ठीक, हल प्रत्याहार में कौन सा हा लेते हैं, हैवरेट का हा लेते हैं। ठीक है, हा को बताने के लिए हल, ठीक है आगे हम आपको समझाते हैं, देखिए कैसे बोलता है कि हल प्रत्याहार में हम कौन सा हा लेते हैं, हैवरेट का हा लेते हैं। अच्छा देखिए हल, जैसा कि कौन सा प्रत्याहार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हल, हल का अंत्य वर्ड क्या है, ला। तो ला ढूंढिए यहाँ पे कहाँ है, ला कहाँ है, ला हमारा यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए हा कहाँ है, अब कहेंगे हा यहाँ भी है, और ढूंढते जाइए ढूंढते जाइए, एक हा यहाँ भी है। अब कहेंगे इसको भी तो ले सकते हैं, है ना, इसको भी तो ले सकते हैं, हम इसको क्यों लेने जाएं, ये नज़दीक का है, काम आसान है, इसको लेके ख़त्म करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बताइए जब हम लोग हल लेंगे, हल प्रत्याहार को जब हम लोग बताएंगे उसके लिए अगर हम लोग ये हा लेंगे तो इसमें वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक, कितनी हो जाएगी, एक, वो भी कौन सा, सिर्फ और सिर्फ हा। ठीक है, वर्डों की संख्या कितनी हो गई, एक, कितनी, एक। थोड़ा साफ सुथरा लिख दें, एक। ठीक, तो जब प्रत्याहार में ही दो वर्ड हैं तो हम वर्डों, एक वर्ड की संख्या व्यक्त करने के लिए हम प्रत्याहार क्यों लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट हा ही ना लिख दें, हम एक वर्ड ना लिख दें, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब क्या है, संक्षेपीकरण, ज़्यादा चीज़ को कम में कहना। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों को संक्षेप में व्यक्त करना। तो जब हमको एक ही वर्ड व्यक्त करना है तो उसके लिए हम दो वर्ड यूज़ क्यों करें, है ना, दो वर्ड यूज़ क्यों करें जब हमको एक ही वर्ड लिखना है। इसीलिए हल में ये वाला हा हम लोग नहीं लेते हैं, फिर इसको लेने का फ़ायदा ही क्या है, हम लोग इस वाले हा को लेते हैं, किसको, इस वाले हा को। ठीक, तो अब गिनिए, तो ये चीज़ याद रखिएगा,
ठीक। अब देखिए गिनिए, ये हल हल प्रत्याहार में कितने वर्ड हुए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा एक वाला, ठीक। तो हल प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, और 34, ठीक। अब कहेंगे मैम 34 आएगा, 34 आएगा, बट ये तो हल प्रत्याहार हम लोग पहले जब व्यंजन वाले में पढ़े थे वर्ड विचार में, उसमें तो हल 33 ही थे। हाँ 33 ही होते हैं, 34 नहीं होते हैं, वो कैसे, ये सुनिए। देखिए ये हा जो है एक यहाँ, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, तो कभी कोई चीज़ दो बार थोड़ी गिनी जाती है। सेम सेम चीज़ को आप दो बार क्यों गिनेंगे, तो उसको हम लोग एक बार गिनेंगे, ठीक है। हा को एक ही बार गिनेंगे, इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 33। ये सब ये मतलब पॉइंट वाली बात है, ये हल जो प्रत्याहार है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग इसमें गलती कर जाते हैं। या तो कभी ये वाला हा ले लेंगे तो गलती हो जाएगी, नहीं तो अगर ये वाला लेंगे तो भी गिनती में 34 ला देंगे। तो वो चीज़ ध्यान देने की बात है कि एक तो हैवर्ड का हा लेते हैं, और दूसरी चीज़ जब दो बार हा आता तो एक बार हा को सिर्फ एक ही बार गिनते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, 33। हल प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 33, ठीक। यही बात यहाँ पे कही गई है। देखिए हा को बताने के लिए हल अर्थात दो वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइए ये देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो मतलब हमारे यहाँ जो प्रत्याहारों की जो संख्या होती है वो 42 होती है, और कभी कभी ऑप्शन में आपको 43 भी मिल जाता है, बट वो कहाँ होता है वो जानिए। जो 43वां प्रत्याहार होता है वो र होता है, इसमें कितने वर्ड होते हैं, दो, र और ल। 43वां प्रत्याहार क्या है, र, ठीक है। वैसे तो जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा पूरी उम्मीद है ऑप्शन में 42 ही मिलेगा, तो आप 42 ही आंसर लगाइएगा, ठीक है। अगर बाय द वे 42 ना हो और 43 हो तब आपका आंसर 43 होगा, क्योंकि 43वां प्रत्याहार क्या है, हमारा र है, समझ गया ना। तो अब बोलेंगे मैम, अब देखिए इतने प्रत्याहार हैं, अब बोलेंगे इतना रटना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। 42 प्रत्याहार है इसका मतलब ये नहीं आपको 42 ही प्रत्याहार रटने पड़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट प्रत्याहार है वो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बना दिया है, और इसके आगे इनका इनके वर्डों की संख्या भी लिख दी है। लेकिन आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो कुछ कुछ जो जहाँ आप लोग फंस सकते हैं वहाँ हम आपको बता रहे हैं, बाकी इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपना रफ निकालिए और पेन निकालिए। चलिए आइए कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रत्याहार हैं वो हम आपको बताएं कैसे करते हैं, जहाँ आप लोग फंस सकते हैं। देखिए ये है अक प्रत्याहार, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अक प्रत्याहार में कितने होते हैं, आ ई ऊ री री, ठीक। अक प्रत्याहार में वर्डों की संख्या 5 होती है, ये मैंने आपको पहले ही एग्जांपल में समझा दिया था। अड़ में कितना होता है, 3, आ ई ऊ, ठीक है, कितने होते हैं, 3, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले। हाँ आप वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा। फिर आता है अच, अच प्रत्याहार, ठीक है। अच में कितने वर्ड होते हैं, वैसे तो हम लोग जो स्वर होता है उनको और क्या नाम किस नाम से जानते हैं, अच प्रत्याहार। स्वर को किससे जानते हैं, अच, और व्यंजन को हल कहते हैं। तो हम पहले ही आपको बताएं अच अच प्रत्याहार जो होता है उसमें वर्डों की संख्या कितनी होती है, 9, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच प्रत्याहार में वर्डों की संख्या 9। आइए अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में हम आपको वर्डों के गिन के बताते हैं कितने होते हैं। देखिए अट, अट का अट प्रत्याहार, अट में अंतिम वर्ड क्या है, टा है, तो अब टा ढूंढिए, अंतिम वर्ड टा कहाँ है, ढूंढते जाइए ढूंढते जाइए, टा कहीं दिखा, देखिए टा कहाँ मिला हम लोग को, यहाँ पे, ठीक। और उसके पहले का आदि वर्ड क्या है, आ, तो अब आ ढूंढिए, आ कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब गिन लीजिए कितने वर्ड हुए,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो अट प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तेरह। ठीक है, तेरह। कैसे हुआ, समझ गया ना? अट प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तेरह। अब आइए अल। अल ये इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है, इससे क्वेश्चन क्या बनता है वो हम पहले इसके बारे में वर्डों के बारे में बताएं, फिर आपको क्वेश्चन क्या बनता है वो भी बताते हैं। आइए पहले गिन के आपको बताएं। तो अल प्रत्याहार, कौन सा प्रत्याहार? अल। अल का अंतिम वर्ड क्या है? ला। क्या है? ला। तो ला ढूंढिए, ला आपका कहाँ पे है? अंत वर्ड में ला, अंतिम संज्ञक वर्ड ला, देखिए यहाँ पे है। ठीक है, ला कहाँ है? यहाँ पे है। और ला देखिए, देखिए देखिए एक ला यहाँ है ना? अरे आप लोग बहुत मार खाएंगे। ये बताइए ये अंत वर्ड है? नहीं ना, अंत वर्ड तो यहाँ है ना, तो इसको क्यों लेंगे? बन गया ना उल्लू, यही इसीलिए कहते हैं, ध्यान से सुनिए। ठीक है, इस ला को नहीं लेंगे क्योंकि ये आदि वर्ड है। ये कहाँ अंत वर्ड कहाँ है? ला यहाँ पे है। इसके पहले का आदि वर्ड मतलब आ। आ देखिए आप ढूंढिए कहाँ है, आ हमारा यहाँ पे है। ठीक, अब वर्डों की गिनती कर लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इक्कीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस और तिरालीस। तिरालीस, तिरालीस वर्ड आए। अच्छा लेकिन एक बात फिर सोचिए सोचिए, तिरालीस आए हैं। हाँ फिर से कितनी बार गिना गया? दो बार। ठीक है, हाँ कितनी बार? दो बार, तो इसलिए उसको एक बार करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये ना हो के बयालीस होगा, क्योंकि हाँ को एक बार गिनेंगे। तो अल प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी हो गई? बयालीस। ठीक, आइए ये इम्पोर्टेंट है, हाँ एक ही बार गिना जाएगा इसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं इड़ प्रत्याहार पे। इड़ देखिए, इड़ प्रत्याहार में डा कहाँ है? डा हमारा यहाँ है। ठीक, और ई कहाँ है इड़ प्रत्याहार का? इड़ प्रत्याहार का इड़ यहाँ मिल गया, और ई कहाँ है? ई देखिए, ई कहाँ है? ऊपर यहाँ। ठीक, अब वर्डों की संख्या गिन लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। ठीक, इड़ प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी हो गई? तेरह। अब देखिए यहाँ भी फंसने का चांस है। इड़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ भी एक डा आता है, आप लोग कहीं इसको ना लगा दें। ठीक है, इसमें जब लगाएंगे तो इड़ प्रत्याहार में कितने वर्ड हो जाएंगे? अगर इस इड़ को करेंगे तो इड़ प्रत्याहार में एक दो दो ही वर्ड आएंगे। अच्छा ये बताइए, दो वर्ड को बताने के लिए दो वर्ड का प्रत्याहार क्यों यूज़ करेंगे? नहीं ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को कम में अर्थात संक्षेप में कहना। तो दो वर्ड बताने के लिए दो वर्डों का प्रत्याहार नहीं यूज़ करना है, इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वाला डालेंगे, समझ गए? आइए, तो इड़ में जहाँ फंसने का चांस था इसीलिए मैंने इसको स्टार पॉइंट कर दिया है, कि ये जहाँ जहाँ फंसने का है देखिए वहाँ वहाँ मैंने स्टार पॉइंट कर दिया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट है जहाँ आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ एक एक। ठीक है, ये देखिए एच, तो एच में देखिए एच का एच प्रत्याहार, एच का चा यहाँ है आदि वर्ड, और ए कहाँ है? ए यहाँ है। गिन लीजिए, एक दो तीन चार, एच प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी है? चार। आइए हल प्रत्याहार। हल मैंने आपको पहले ही बताया कि कितना इम्पोर्टेंट था।
ठीक है। हल प्रत्याहार में वर्डों की संख्या, इससे पहले मैंने आपको बताया, वीडियो फिर से पीछे करके देखिएगा कि हल प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी, 33। ठीक, वर्डों की संख्या कितनी, 33। अब आता है यही प्रत्याहार में, आइए इसको देखते हैं। यही प्रत्याहार, यही, ठीक, या ढूंढिए, या कहाँ है, या अंतवर्ड यहाँ है, इसका आदि वर्ड या ढूंढिए, ढूंढिए कहाँ पे है, जल्दी से ढूंढिए, देखिए यहाँ है, मिला। अच्छा देखिए, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर फ़ायदा लेना है तो आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। आप भी रफ कॉफ़ी उठाइए और गिनने की कोशिश करिए, जब तक आप नहीं खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं कितना भी समझा लूँ आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, अर्थात यही प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी हो गई, 29। देखिए यही में 29 वर्ड हो गए। अब आता है यर प्रत्याहार, यर में देखिए, यर में देखिए, यर प्रत्याहार, तो यर में रा देखिए कहाँ है, रा कहाँ है, यहाँ है। ठीक, अंत वर्ड रा कहाँ है, यहाँ, इसके पहले अब या ढूंढिए, अब ये मत कहिएगा मैम या ये है, लेकिन यहाँ आदि वर्ड है, ये क्या है, अंत वर्ड, इसलिए इसको नहीं लेते हैं। आइए, या आदि वर्ड कहाँ है, ढूंढते जाइए ढूंढते जाइए, तो हमको हैवरेट में या यहाँ मिल गया। अब गिन लीजिए वर्डों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक, 30, 31, 32। ठीक, यर में वर्डों की संख्या कितनी हो गई, 32, समझ गए, यर में 32। ठीक, अच्छा, रा प्रत्याहार में दो वर्ड होते हैं, पहले ही बता दिए हम आपको, रा और ल, यम वही पंचमाक्षर, इसमें कितने वर्ड होते हैं, 5, कौन कौन से, यम न अंग और ड, ठीक है। और आइए झष प्रत्याहार, झष प्रत्याहार में वर्डों की संख्या ढूंढते हैं, चलिए, झष, ठीक, झस, श, देखिए ढूंढिए कहाँ पे है, यहाँ है। ठीक, और इसके पहले झा ढूंढिए, झा ढूंढिए कहाँ है, झा देखिए यहाँ पे आदि वर्ड में, मिल गया। अब गिनिए वर्डों को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, झस प्रत्याहार में वर्डों की संख्या कितनी हो गई, 10। हाँ, और एक और था शल, शल प्रत्याहार, तो शल प्रत्याहार में वर्डों की संख्या, अंतिम वर्ड क्या है, ल, तो ल कहाँ है, देखिए यहाँ है। ठीक, ल कहाँ है, यहाँ पे, इसके पहले शाह ढूंढिए, तो शाह देखिए यहाँ आदि वर्ड में, गिनिए, 1, 2, 3, 4, इसमें वर्डों की संख्या कितनी हो गई, 4। ठीक, आइए, झस में कितना हुआ, 10, और शल में कितना हुआ, 4, समझ गए। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे हैं, ये मैंने दे दिया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो रफ कॉपी में ऐसे उतार लीजिए सारे प्रत्याहार, ठीक, फिर वर्डों को काउंट करिए, फिर चार्ट से मिला लीजिए आंसर कि आपका आंसर आया है कि नहीं। आपका अगर आंसर सही आया है, मतलब आपको वर्डों की गिनती करने आ गई, ठीक है। आइए, मतलब अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया है वो क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रैक्टिस करवाएं आपको। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसी के बारे में बताया, क्या है, आदिरंतेन संहिता, क्या है, आदिरंतेन संहिता। दूसरा, प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय है, तो बताइए क्या हमने तोड़ा था, प्रति आंग, ये देखिए ह्री है, ठीक, ह्री और घई, कौन सा, प्रति आंग, ह्री और घई, ये इसका विच्छेद है, इसकी प्रकृति है, ठीक।
आइए। प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेपीकरण। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें कहते हैं प्रत्याहार। उसका मतलब ही जब संक्षेपीकरण है तो मतलब क्या होगा? प्रत्याहार। प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 42। अगर इसके जगह 43 होता, 42 ना ऑप्शन में 43 होता, तो 43 मारते, ठीक है। अच प्रत्याहार की कुल वर्डों की संख्या कितनी है? मैंने वर्ड काउंट करके बताया ना आपको, अच में कितने होते हैं? 9। वही हमारे जो स्वर होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अच। फिर आता है आ ई उड़ के ई से लेकर, अर्थात ई से लेकर रील री क के बीच सभी वर्ड। तो ये देखिए आदि वर्ड ये हो गया, री री क अंत वर्ड ये हो गया, के बीच के सभी वर्ड किस प्रत्याहार में गिने जाते हैं? तो आदि ई और अंत क, तो क्या बन गया? इक। क्या बन गया? इक। झष प्रत्याहार में वर्गों के चौथे वर्ड किन दो सूत्रों में आते हैं? मैंने माहेश्वर सूत्र में आपको क्या बताया? आठवां सूत्र क्या था? आठ को लिखने में बड़ी झंझट है। क्या है? बड़ी झंझट, झवई। नौवां घर क्या हो गया? धस गया, घर धस। नौवां घर धस गया, ठीक। नौवां घर क्या हो गया? धस गया। तो बताइए झस किससे बना? ये हो गया झ आदि वर्ड और अंत वर्ड, क्या बन गया? झस। यही हमारा प्रत्याहार। तो झस प्रत्याहार किन दो सूत्रों से बना है? झबई और घड़धस। किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्डों के तीसरे वर्ड आते हैं? किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तीसरे वर्ड आते हैं? तो हमारा जो दसवां सूत्र क्या था? जब गढ़ दस। क्या था? जब गढ़ दस, तीसरा सूत्र, ठीक है। दसवां सूत्र याद आया? जिसके आगे दस और जिसके पीछे दस, जब गढ़ दस। ये क्या बताता है? तीसरे वर्ड को। तो हमारा आंसर क्या होगा? जश। जश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं? ये देखिए क्वेश्चन लेने के पीछे कुछ इसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए। जश प्रत्याहार में वर्ड कौन कौन से आते हैं? ध्यान से पढ़िए, वर्ड पूछा है, ठीक है। तो जब ब ग ड द, तो ये मत कहिएगा ये है, क्योंकि इसमें ये सा शा जो आता है वो क्या होता है? इति संज्ञक वर्ड होता है, तो वर्ड में उसको कभी काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ये। तो जल्दीबाजी में आंसर गलत मत कर दीजिएगा। किस प्रत्याहार में प्रथम वर्ड आते हैं? तो प्रथम वर्ड कहाँ आते हैं? नौवां सूत्र याद है? अरे नौवां, ग्यारहवां सूत्र, ठीक। खफ छठत चट तो, खफ छठत चट तो, ठीक। और उसके बाद बारहवां, कपों की संख्या कितनी थी? 12 कपय, ठीक। तो अब बताइए इसमें यही दो जो सूत्र थे वो किसको व्यक्त करते थे? पहले वर्ड को, प्रथम वर्ड को व्यक्त करते हैं। तो बताइए, देखिए प्रथम वर्ड ये चा हो गया, तो चा का ये और या का ये, तो क्या बन गया? चय। कौन सा प्रत्याहार? चय। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, चय। ऊष्म वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शल, ठीक। अंतस्थ वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाते हैं? ठीक है, अंतस्थ वर्ड यड, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्डों को परिगणित करता है? बताया था ना, कौन सा? अल, ठीक है। इसमें अच और हल दोनों आ जाते हैं, इसलिए इसमें जितने भी वर्ड स्वर व्यंजन और अंतस्थ सारे वर्ड किसमें आते हैं? अल प्रत्याहार में। प्रत्याहार में किन वर्डों का संग्रह? रा प्रत्याहार में किन वर्डों का संग्रह है? संग्रह है, तो र और ल।
ठीक, ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आप मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा।